पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सूरज भाव जिंदाबाद, 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 सूरज भाव जिंदाबाद। आई बाहर लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, सुनो ना आई, क्यों ना दोबारा तुम साई के लिए लड्डू बना दो। आई देखो, आई आई मैं बूंदी ले आया हूं, अगर तुम जल्दी से लड्डू बना दोगी तो साई के भोजन के समय से पहले मैं उन्हें पहुंचा सकूंगा। लीजिए। सूरज भाऊ, आपकी हिम्मत के बारे में सुनकर हमारे साथ और भी मजदूर जमा हुए हैं। सूरज भाऊ, लेकिन कल पहली बार कुलकर्णी के मुंह पे डर दिखा, और अब तो हम भी नहीं डरते कुलकर्णी सरकार से। साई ने कहा है कि मजदूर द्वारका माई में है और वहां से फिर मिल जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने के लिए बात होगी। लेकिन सूरज भाऊ, हमने तय किया है कि हम सब आपके साथ रहेंगे। साई का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये साधु संत की बात, ये अहिंसा की बात कुलकर्णी जैसे चोर लुटेरे आज तक नहीं समझ पाए तो अब क्या समझेंगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करो, यही दुनिया का नियम है। बिल्कुल सही कहा सूरज भाव। सूरज भाव जिंदाबाद, सूरज भाव जिंदाबाद, सूरज भाव जिंदाबाद, सूरज भाव जिंदाबाद। मेरे नाम के नारे लगाने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो कसम खाओ या बातें नहीं कुछ कर गुजरने का समय है। अन्याय के खिलाफ अब आवाज नहीं हथियार उठेंगे। राजी हो? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें आज। मुझे माफ कर दो। चेतन उठ। चल जा घर से, मेरे लिए पानी लेकर आ। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो बोला है वो कर। मैं क्यों लेकर आऊं पानी? नहीं लाएगा तो मारूंगा। बैठ नहीं। अगर तू मुझे मार सकते तो मैं भी तुझे मार सकता हूँ, ये मत बोल तू। अच्छा नहीं मार्टन, नहीं चेतन रुको। चेतन मुझे भी प्यास लगी, क्या तुम मेरे लिए पानी लाओगे? अभी लाया प्रहलाद। चेतन जरूरत नहीं है। साई ने देखा तुम सब जो कर रहे थे और उससे प्रहलाद को भी बहुत दुख हुआ, इसीलिए साई ने एक जरूरी बात समझाने के लिए मुझसे नाटक करने को कहा। मार्तंड ने हिंसा करके अपनी बात मनवानी चाहिए, लेकिन चेतन नहीं माना और प्रहलाद ने इससे प्यार से पानी लाने को कहा,
तो ये तुरंत मान गया। यही फर्क होता है हिंसा और अहिंसा में। बच्चों को हिंसा कोई उपहास का विषय ना लगे, हंसने हंसाने का विषय ना लगे, ये समझाना बड़ों की जिम्मेदारी होती है। अगर बड़े ही उनके उपहास में हंसने लगे तो बच्चे हिंसा की गंभीरता को कभी नहीं समझेंगे और ना ही अहिंसा की अहमियत को। ऐसे बच्चे जिस भी समाज में पलेंगे उस समाज में हिंसा को साधारण समझा जाएगा। तो साईं, क्या आपको लगता है सूरज दादा ने गलत किया? लेकिन सूरज दादा तो गरीबों के लिए लड़ाई कर रहे, गरीबों के हक के लिए। उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पूरा करने का रास्ता सही होना बहुत जरूरी है। भय और हिंसा से हमें ऊपर ही ऊपर भले ही लगे कि समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन वो हमारा भ्रम होता है। समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। समस्या को भी करुणा और संवेदना की नजर से देखा जाए। हिंसा केवल हिंसा को ही जन्म देती है और जहां हिंसा हो उस समाज में स्थिरता संभव ही नहीं है। हिंसा अहंकार का प्रमाण है और अहिंसा अहंकार के ना होने का। अंधकार अहंकार का पर्याय है क्योंकि अहंकार में अंधकार की तरह कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया कि जब कुलकर्णी सरकार के घर पर हमला हो रहा था तब उसमें तुम्हारा दोष भी शामिल था। कल इसे भी कुछ भी हो सकता था। हमें माफ कर दो प्रहलाद, हमें माफ कर दो प्रहलाद। हम समझ गए साई, लेकिन साई हमारे परिवार के भी कुछ लोग मिल में काम करते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें साई? मैंने चंदू से संदेश भिजवाया था, आज शाम 4 बजे सब द्वारका माई आए, उसके बाद शांति प्रदर्शन के लिए हम वहां से मील तक पदयात्रा निकालेंगे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।